प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेल पटरियों के पानी में डूब जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात ठप है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा जगहों में फैला है। इसकी वजह यह है कि जो तटबंध हैं, जो इन नदियों के पानी को रोकते हैं, वो उनमें रिसाव काफी आ रहा है। और जहां 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 भी तटबंध कट रहे हैं, हालांकि ग्रामीण भी अपने स्तर से और जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं उस सीवेज को रोकने के लिए, लेकिन उतनी देर में पानी का तेज बहाव इतना होता है कि एक आध दर्जन गांव जब तक वो रोके तब तक पानी में डूब जाते हैं। तो ये स्थिति है, पानी फैल रहा है और इस वजह से भी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, क्योंकि जब पानी एक बड़े इलाके में फैलता है तटबंध को तोड़ करके, तो फिर ये नदियों का जलस्तर कम होता है। और अगर नदियों के जलस्तर की बात करें तो फिलहाल जो गंगा नदी है वो कहलगांव को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि पटना के गांधी घाट में ये अभी सिर्फ 50 सेंटीमीटर नीचे है खतरे के निशान से। तो और इधर बात करें, गंडक नदी से बहुत खतरा नहीं है, डुमरिया घाट पे वो खतरे 81 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक सिकंदरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी बेनीबाद, रूनी सैदपुर, हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जबकि अधवारा भी अपने प्रवाह क्षेत्र में कई स्थानों पर खतरे के निशान से। और मौसम विभाग ने आज के लिए जो भविष्यवाणी की है कि जो सारी नदियां हैं बिहार क्षेत्र में बहने वाली, उनके जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है।